रहमान रहीम विवस मज़ेदार से फ्राई छोले की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। यह हमने छोले ले लिए हैं। इसके अलावा फ्राई करने के लिए ऑयल है, ज़ीरा है और हमने ये चाट मसाला लिया है, नमक है, लेमन जूस है और ये मैंने कुछ बॉईल करके आलू लिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो है चिली सॉस मैं डालूंगी। अगर मुझे रिक्वायर्ड हुआ चिली सॉस डालने के बाद तो मैं इसमें फिर ये लाल मिर्च डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। और गार्निशिंग के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं धनिया है और हरी मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। आइए रेसिपी स्टार्ट करें। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद ज़ीरा डालिएगा। कुछ इसमें लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी से डालिएगा। ज़ीरा डाल दिया आपने थोड़ा सा, ज़ीरे को अच्छे से जो है फ्राई कर लीजिए। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा बहुत फ्राई हो तो इसमें आप छोले डाल दीजिए। छोले डाले हमने, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस डाल दीजिएगा। और यकीन कीजिए चिली सॉस डालते हैं बड़ा अच्छा सा टेस्ट इसमें डेवलप होता है। चिली सॉस डाला है, उसके बाद चाट मसाला है, ये सब चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट से डालिएगा। नमक है, आलू बॉईल जो किए थे हमने वो डाल दिए इसमें। लेमन जूस है। अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर यहाँ तक। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी जो है बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, फ्राई हो चुका है ये अच्छे से। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी जो है शुगर डालते हैं। शुगर डालने से बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाता है। और साथ ही हमने गार्निशिंग के लिए जो हरी मिर्चें काट के रखी हैं हम वो डाल देंगे। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। बस अब ये फ्राई छोले जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं और प्याज डालेंगे हम इसमें। प्याज डालने के साथ आप इसमें टमाटर डाल दीजिए, जिस तरह भी आप अपनी गार्निशिंग करना चाहें। लेकिन यकीन कीजिए टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे टेस्टी हैं ये। और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। मज़ेदार से आपके फ्राई छोले तैयार हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फूड हिली विद देरम एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।